टीवी की दुनिया में इन दिनों अभिनेत्रियों का रुतबा बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि टीवी की कई एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिनके नाम से लोग सीरियल को देखना पसंद करते हैं, तभी उनके किरदार लोगों का दिल जीत लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि टीवी इंडस्ट्री की यही खूबसूरत हसीनाएं तो सीरियल्स में अपने हर एक किरदार को निभाने के लिए अपने को एक्टर से दुगनी फीस भी चार्ज करती हैं और उनसे कहीं ज्यादा मोटी रकम मेकर से ऐंठती हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट का सबूत है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको टीवी की टॉप 8 एक्ट्रेसेस से रूबरू करवाएंगे जो अपने को एक्टर से दोगुनी फीस लेती हैं। तो फिर आइए जानते हैं उन्हीं के बारे में। नंबर 8, रूपाली गांगुली। टीवी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली का नाम सबसे पहले आता है, जो इन दिनों अनुपमा सीरियल में अनुपमा का मुख्य किरदार निभा रही हैं, जहां ये अनुपमा के किरदार को पर्दे पर पेश करने के लिए 1.5 लाख रुपए चार्ज करती थी, तो वहीं अब उनकी फीस 3 लाख रुपए प्रति एपिसोड हो गई है, जो फिर भी इनके को एक्टर गौरव खन्ना से ज्यादा है, क्योंकि वो अब एपिसोड के लिए 1.5 लाख रुपए फीस लेते हैं। नंबर 7, मौनी रॉय। टीवी की हॉट एंड बोल्ड एक्ट्रेस मौनी रॉय ने भी फेमस नागिन शो में शिवनिया का मुख्य किरदार निभाने के लिए अपने को एक्टर अर्जुन बिजलानी से दुगनी फीस चार्ज की थी, क्योंकि जहां अर्जुन को 90 लाख रुपया फीस दी जाती थी, तो वहीं ये 1,30,000 रुपए की मोटी रकम चार्ज करती थी। नंबर 6, निया शर्मा। टीवी की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस निया शर्मा भी इसमें शामिल होती हैं, जिन्होंने अपने को एक्टर से अच्छी खासी और ज्यादा रकम अपने किरदार को निभाने के लिए ली है, तभी तो उन्होंने जहां ट्विस्टेड वेब सीरीज में अपने को एक्टर राहुल सुधीर से ज्यादा 1.5 लाख रुपए फीस पर एपिसोड चार्ज किया था। नंबर 5, दिव्यांका त्रिपाठी। टीवी की सबसे संस्कारी बहू दिव्यांका त्रिपाठी ने भी सीरियल ये है मोहब्बतें में अपने को एक्टर करण पटेल से दुगनी फीस ली थी, तभी तो जहां करण को पर एपिसोड 80,000 रुपए मिलते थे, तो वहीं इन्हें 1 लाख की अच्छी खासी रकम दी जाती थी। नंबर 4, रूबीना दिलैक। टीवी की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस रूबीना दिलैक ने भी बिग बॉस 15 में अपने को एक्टर अभिनव शुक्ला से दुगुनी फीस ली है, क्योंकि अभिनव शुक्ला को पर एपिसोड 1.5 लाख रुपए की मोटी रकम दी जाती थी, तो वहीं ये एक एपिसोड में कम से कम 2 लाख रुपए की मोटी रकम चार्ज करती थी। नंबर 3, जेनिफर विंगेट। बेहद फेम एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट ने सीरियल बेपनाह में जोया के मुख्य किरदार को पर्दे पर पेश किया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था, इसीलिए तो इन्होंने अपने इस किरदार को निभाने के लिए 80,000 रुपए चार्ज किए थे, जो इनके को एक्टर हर्षद चोपड़ा से ज्यादा थी, क्योंकि इन्हें पर एपिसोड 60,000 रुपए ही दिया जाता था। नंबर 2, हिना खान। मेकर से अच्छी खासी फीस वसूलने के मामले में हिना खान भी किसी से कम नहीं है, तभी तो इन्होंने शो कसौटी जिंदगी के में अपने को एक्टर पार्थ समथान से दुगुनी 2 से 2,25,000 रुपए पर एपिसोड फीस ली थी, जहां इनके को स्टार पार्थ समथान को 1 लाख रुपए प्रति एपिसोड के हिसाब से फीस मिली थी। नंबर 1, तेजस्वी प्रकाश। नागिन 6 की लीड एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश एकता कपूर की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बनकर सामने आई हैं, तभी तो जहां ये 2 लाख रुपए पर एपिसोड के हिसाब से मोटी फीस चार्ज कर रही हैं, तो वहीं इनके को स्टार सिम्बा नागपाल को 1 लाख रुपए पर एपिसोड के हिसाब से फीस दी जा रही है, जो इनसे आधी है। तो दोस्तों, आपको इन एक्ट्रेसेस में से कौन सबसे बेस्ट लगती है, आप हमें उनका नाम कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।